के अभिनंदन करता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कला साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा रविंद्र मंच सोसाइटी द्वारा टैगोर थिएटर योजना चलाई जा रही है। इस योजना में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटकों का आयोजन किया जाता है। इस योजना में भाग लेने वाले कोई भी संस्था नाट्य दल अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं तो अपने प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग रविंद्र मंच द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय एवं प्रांतीय कला एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार प्रोत्साहन व समर्थन करने के साथ साथ कलाकारों को मंच मुहैया करवाना है। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने वाले कार्यक्रमों में राजस्थान प्रदेश पूरे भारत वर्ष में अहम स्थान रखता है। आजादी के अमृत महोत्सव सतला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है श्री कैलाश सोनी द्वारा लिखित नाटक पेंशन का निर्देशन किया है वरिष्ठ रंगकर्मी सिकंदर चौहान और सिकंदर पास। नाटक प्रारंभ करने से पूर्व में भारतीय समय भारतीय परंपरा अनुसार किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ हम दीप जलाकर करते हैं। इसीलिए इस नाट्य प्रस्तुति के प्रारंभ करने से पूर्व हम राजस्थान के रविंद्र मंच के जो कार्यक्रम मैनेजर हैं श्री कैलाश शर्मा, आप कृपया मंच पर पधारें और साथ ही नाटक के जो निर्देशक हैं सिकंदर चौहान और सिकंदर पास, आप भी मंच पर पधारें और मंच पर आकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देखकर आपको जब भी हंसी आए जमकर हंसी का, हाँ
कंजूसी नहीं करिएगा, खूब हंसिएगा। अगर ताली बजाने की इच्छा हो तो जमकर ताली बजाइएगा और कलाकार के प्रोत्साहन को तो लीजिए। पेश होने जा रहा है नाटक पेंशन। Yep।
एक आदमी का रोशनी मार तो
ये अपराध तुमने किया। सही पहचान। सही पहचाना? तो तुम अपना अपराध कबूल कर दो। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जानवर से भी करता हूँ। Yes, sir. Sir, sir.
तुमने किया है। सर, आप इसकी बात मत सुनिए क्योंकि ये बकर है। Thank you.
Yeah.
सीधे सीधे बताओ कटे
होगी अब तो तसल्ली, होगा अब तो पूरा विश्वास। हाँ, अब तो पूरा ही विश्वास होगो। गोविंद देव जी का मंदिर में हनुमान जी की आरती चल रही थी। Hey, man.
नकली का पेड़
कर दो कर दो इधर
Okay.
आदमी ने आपको फोन किया था। ओ, वो आदमी तुम हो? तुमने फोन किया था? कहाँ है वो लाश और कहाँ है वो आदमी खूनी? वो लाश पर वो खूनी भी नहीं है। इसने तो सबसे ज्यादा पी रखी। आज क्यों? पहली और आखिरी बार। पहली और आखिरी बार? मतलब आखिरी बार इसलिए कि मैंने इसमें शहर लिया। हाँ इन्द्र फंड के पैसे से बड़ी धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी करूंगा, उसके हाथ पीले करूंगा। लेकिन रिटायरमेंट से लेकर अब तक सरकारी दफ्तर के चक्कर पेंशन ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूं, अपने ही दफ्तर में बेगाना बनकर रह गया। कोई मेरा दर्द मेरी परेशानी नहीं समझता। जिन लोगों के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी कोई मेरे सामने झूठ पा रहे थे। रिश्वत दो भैया ऐसा मिल जाएगा दो बार लड़के वालों को हाथ जोड़ कर मैंने वहां की तारीख दी। अब शादी के दो दिन बचे हैं और पेंशन मिलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। आत्महत्या की है क्या? मेरी हत्या हुई है? बताओ क्या मेरी हत्या हुई है? अगर मैंने आत्महत्या की तो किसने? मेरी हत्या हुई तो क्यों, किसने? इस सरकारी अव्यवस्था ने मैं जिन लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता उन तक बात पहुंच जाए और मेरे बाद कोई रिटायर्ड ऑफिसर अपनी बच्ची के लिए इस तरह दर दर की ठोकर लगाता है। आप लोग गवाही दोगे? गवाही दोगे? आप लोग गवाही दोगे? दोगे? Thank you.
आइए अभी कलाकारों से आप परिचय कराते हैं कि उससे पहले जो हमारी रविंद्रमंच सोसाइटी की जो रंगमंच की परंपरा है उसके अनुसार एक मिनट के लिए हम सब लोग खड़े होंगे और राष्ट्र गान के लिए हम सब एक साथ सभी गाना सुनता है अभिनेता बकर के रूप में तन्मय जैन
हर उस कली बाबा जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनके बाबू से बराबर मिलता रहा है और नए नए कलाकारों को काफी प्रोत्साहित करते हैं, काफी गाइड करते हैं। और रूप सज्जा ये भी बहुत पुराने कलाकार, बहुत ही सभी के मिलनसार रूप सज्जा, सभी का रूप बदलने वाले, सबको सबके रूप को निखारने वाले और रूप को बिगाड़ने वाले वो हैं असलम पठान। संगीत संगीत उभरते हुए अभिनेता और संगीत के साथ साथ उन्होंने मंच भी संभाला, लाइट भी संभाली, वो है हाशिम खान और उनके सहयोगी अयान। और इतनी खूबसूरत जो प्रकाश व्यवस्था यानी लाइट से सराबोर किया, नाटक को परवान चढ़ाया और सभी की ऊर्जा को उन्होंने परवान चढ़ाया, वो है बहुत ही अच्छे खुद निर्देशक है प्रकाश व्यवस्थापक कपिल कुमार। इस नाटक के सहायक निर्देशक नितेश सोनी और हम आभारी हैं हमारे जो कार्यक्रम के जो मैनेजर हैं कैलाश शर्मा जी का, जो समय समय पर कलाकारों को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और वो जिन्होंने ये इस परंपरा को स्टार्ट किया हुआ है उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे जो मंच प्रबंधक हैं उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं और मंच के जितने भी कर्मचारी हैं जिनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है, कलाकारों को हमेशा मनोबल को बढ़ाते रहे हैं, बराबर सहयोग करते रहे हैं और कोई भी समस्या है तो जो ये हमारे रंगमंच कर्मचारी हैं उनके सामने समस्या कभी होती नहीं, कलाकारों को भी कोई समस्या आती नहीं। और इसी क्रम के अंदर जो एक बहुत ही हमारे सीनियर कलाकार हमारे सहयोगी जो इस नाटक में पूरा उनका मार्गदर्शन रहा है, पूरा सपोर्ट रहा है, वो है शाकिर खान उस साहिल खान। और इस नाटक को जो निर्देशित किए करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और इंस्पेक्टर भुलक्कड़ पोले के रूप में आप मुझे देख चुके हैं, मैं सिकंदर चौहान आपके सामने। और इनके साथ में हमारे जो गाइडलाइन है, हमारे जो गुरु हैं, आज वो यहाँ स्वयं पधार चुके हैं, आकाशवाणी पर हैं आप, इस्माइल खान जी, मैं चाहूँगा और सभी ताली भी कर सकते दो शब्दों से हम कलाकारों को ओके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग अपना स्वस्थ समय निकाल करके आए और हमारे कलाकारों के मनोबल को बढ़ाया और